दोस्तों बात करें रफ्तार की तो केवल दो ही नाम सामने आते हैं, एक 5G नेटवर्क और एक यमुना 30। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी स्पीड बता रही है रिजल्ट्स को लेकर। यमुना 30 ने लोगों की लिस्ट जारी कर दी है जिसमें उन्होंने सभी लोगों को ये पुष्टि करने का मौका दिया है कि क्या उनका नाम आया है या नहीं और कैसे आप ये चेक कर सकते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि आपको अपने नाम के साथ साथ और क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है यमुना 30 के अलॉटेड प्लॉट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं कापेट एरिया। दोस्तों कल 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप और हम मिलकर बैठकर देख रहे थे कि ड्रॉ में किस किस का नाम निकला है, क्या आपका या हमारा प्लॉट निकला है या नहीं। और इसी के ऊपर शाम को 5 बजे के बाद एडिशनल CEO मोनिका रानी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि लिस्ट को वो जारी कर देंगे अपनी वेबसाइट पर, जिसमें लोग मैनुअली भी चेक कर सकते हैं क्या उनका नाम आया या नहीं। कैफेटेरिया टीम ने भी अपनी तरफ से लिस्ट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसमें हमने ये देखा कि किस किस आदमी का प्लॉट में नाम निकला है, क्या प्लॉट नंबर है, क्या सेक्टर नंबर है, क्या ब्लॉक नंबर है और किस साइज़ में वो प्लॉट निकला है। इसके ऊपर हमने एक PDF भी बनाई है जिसको हमने नाम दिया है RPS 06-2022 अनऑफिशियल कैफेटेरिया लिस्ट। और ये है वो लिस्ट जिसमें एप्लीकेंट का नाम, उनका सेक्टर नंबर, पॉकेट नंबर, प्लॉट नंबर और प्लॉट का साइज इत्यादि दिया गया है। ये लिस्ट हमने बनाई है पर इसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं है जिससे आप पुष्टि कर पाओ कि आप ही का नाम है या नहीं। उसके लिए यमुना 30 ने अपनी वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर से सर्च करने का ऑप्शन दे दिया है। जैसे ही आप यमुना 30 के ऑफिशियल वेबसाइट yamunaexpressway30.com पर जाएंगे, आपको सबसे ऊपर एक कॉलम मिलेगा प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू RPS 06 सक्सेसफुल ड्रॉ एप्लीकेशन लिस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे फॉर्म नंबर मांगेगा, उसको अगर आप यहाँ एंटर करोगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका नाम ड्रॉ में निकला है या नहीं। वो कुछ लकी लोग जिनका नाम निकला है लकी ड्रॉ में, वो अगर यमुना 30 में इस पेज पर जाकर फाइनल रिजल्ट लिस्ट में अपना फॉर्म नंबर डालेंगे तो उनको यहाँ पर उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिटेल क्या क्या है उसमें आता है फॉर्म नंबर, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का फादर्स नेम, आपका पेमेंट ऑप्शन जो कि सिर्फ पेमेंट ऑप्शन 1 ही एलिजिबल था तो PP1 है सबके केस में, प्लॉट का साइज, प्लॉट का नंबर, ब्लॉक नंबर, सेक्टर नंबर और ड्रॉ की कैटेगरी। और ये सभी के लिए सेम है। हमने यहाँ पर 3 एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे और तीनों के अंदर ही सेम स्टेटस है। तो अगर आपको भी यमुना 30 की लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है या नहीं इसकी 100% पुष्टि करनी है तो आप यमुना 30 की वेबसाइट पर जाएं और अपना फॉर्म नंबर डालकर कंफर्मेशन ले लें। और अपने सभी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्या पता उनका नाम निकला हो और वो बिना वजह ही निराश हो रहे हों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ कारपेट एरिया पर।